तुलसी सतगुरुदेव की सत सनातन धर्म की। हरि रामचंद्र जी महाराज इधर आओ, भाऊजी इधर आ जाओ। गुरु पति जय बंदगी बंदगी हरि कोटि कोटि परिणाम कीट न जाने भंगा गुरु कर ले आप समान। रवि के प्रकटे निसी जात सुदूर कियो ब्रह्म भान अंधेरो कायक वाचक मानस हो करिए गुरुदेव ही वंदन मेरो। सुंदर दास कहे कर जोर के उदार दयाल को हुते चेरो। अरे महाराज सतगुरु सेज अरे मेरा सतगुरु सेज ते बतायो रे जद रतन हाथ में आयो। जगत जगत में ये सुबोध करायो रे। मुझमें जगत जगत में ये सुबोध करायो रे। ओ मिथ्या भ्रम मान कर बेटो अरे तन अभिमान हाथ में आयो। महाराज सतगुरु रे महाराज दादा से बतायो रे जब रत्न हाथ में
सतगुरु जी रे मारा सतगुरु से ए बतायो रे जतन मात में आयो सारो धर्म मिटायो हर सतगुरु
बोलो सतगुरु भगवान की जय हो। श्री रामलाल जी महाराज की जय हो। कर्णपुरी जी महाराज की जय हो। पधारे हुए सभी महापुरुषों की जय हो। सतगुरुदेव भगवान के चरणों में अनंत कोटि नमन वंदन करते हुए आज के सत्संग में पधारे हुए जितने भी महापुरुष आप सभी को और जितने भी श्रोता गण जिज्ञासु लोग भक्तिमती माता बहने आप सभी को इस दास का हरि ओम प्रणाम। देखिए कई जन्म का पुण्य उदय होता है सजनों, तब जीवन में महापुरुषों का दर्शन और सत्संग मिलता है। राजा मान जोधपुर नरेश कहते हैं सतगुरु सहज बतायो। सहज का मतलब जानते हो? सहज का मतलब होता है जिसमें कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता है। एक कंडी लुगावड़ी मरी थकी वे नहीं तो मंडे परिश्रम करनो पड़े, मंडे रोटी सहज में हाथे नहीं आवे, पर जंडी लुगाई जीवती वे तो सहज में मिल जावे, ऑर्डर दे बारो काम है। और हमारे आपके बीच में है स्वामी लक्ष्मणानंद जी महाराज जो मध्य प्रदेश की धनधरा से पधारे हैं। सतगुरु सहज बतायो, सहज यानी कठिन ही नहीं, लेकिन कब? जब शिष्य की संची श्रद्धा होती है तब। रतन हाथ में आयो, सजनों रतन का अर्थ होता है एक तो अपना जो स्वरूप होता है, जो अपना जो चेतन जो निराकार अपना जो स्वरूप होता है उसको रतन का रतन हाथ में आयो। कहीं आज हाथ में नहीं आया तो कोई गमा हुआ था? नहीं, गमा हुआ नहीं था, लेकिन हमारे कई प्रकार की जो अंतकरण में कचरा आया हुआ था वो सतगुरु महाराज ने कोई साधन दिया, कोई युक्ति दी, कोई सुमरण दिया, उससे हमारा वो कचरा साफ हो गया। और कचरा साफ होते ही और पता लग गया परमात्मा आत्मा का, इसलिए कहा है सतगुरु सहज बतायो जद रतन हाथ में आयो। भाई साहब दो मिनट बाद में है ना माला तिलक करेंगे, एक भजन हो रहे हैं। हाँ सतगुरु सहज बतायो रतन हाथ में आयो, फिर कहा मान और मोह। पहले सतगुरु महाराज दो चीज का आपके से हरण करता है, एक तो महान, जिंदगी में कभी महान नहीं रखना और जिंदगी में कभी मोह नहीं रखना, क्योंकि मोह छूटने वाला है। आपको पता है अभी कोरोना वायरस की बहुत जोरदार हाहाकार मचा हुआ है, कहीं कहीं चंद्र लोक में खोज कर रहे थे वहां भी पलोट काटे, लेकिन एक ही मिनट ऐसा हुआ जो सारा रही इच्छा धरी धराई रहेगी। मोह ममता को दूर हटायो और ज्ञान भान दर्शायो। पहले गुरु महाराज दो चीज को हरण करते, मोह और ममता। मोह का मतलब होता है ये जितना भी दृश्य वर्ग पदार्थ है इनको तुम अपना मान रहे हो, और सजनों ये वाकई में अपना होता ये अपना नहीं है। ज्ञान भान दर्शायो, ज्ञान होगा दिल में प्रकाश होगा तब जाकर आपको ये पता लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। ठीक है, मेरो रूप मुझे ही पहचानो और दूजो हतो मिटायो। यहाँ दो भाव है, एक तो शरीर भाव है, एक आत्मा भाव है। वाकई में ये शरीर हम नहीं है, हम आत्मा है। आत्मा सो परमात्मा जुदा रहा कई काल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिलिया दलाल। बिन सतगुरु भगवान भी आपका कल्याण नहीं कर सकता है, चाहे भले ही आप 1000 स्टाम्प लादो में लिख दो, पक्की गारंटी। भगवान भी अपना कल्याण नहीं कर सकता है, लेकिन सतगुरु देव इस पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसे तत्व है, एक ऐसी शक्ति है, वो जीवों का कल्याण करके। अरे निर्गुण से सिर गुण होए दाता दरिजन काया आए, अरे अदम उदारण ओ तारण तारण ये जग में आया है, सैया सत गुरु भला आया। सजनो सतगुरु की पहचान केवल शरीर से नहीं होती है। आप यूं जानो हमारे गुरु जी बेटा जो ये, अरे हाँ ये तो है ही है। सतगुरु एक शक्ति है, सतगुरु व्यक्ति नहीं है। अरे जो व्यक्ति भाव को ही मानकर बेटा है तो अभी उन्होंने सतगुरु किया जरूर है, लेकिन सतगुरु की पहचान अभी नहीं की है। इसलिए राजा मान कहे के मुझ में जगत जगत में मैं हूँ, फिर और प्रोत होता है मुझ में जगत जगत में मैं हूँ, ऐसो बोध करायो।
मिथ्या भ्रम मानकर बेटो तन अभिमान गिरायो। ये मिथ्या भ्रम के मैं करोड़पति उन में रोड़पति उन में फलान जी उन में ढिकड़ जी उन, ये मिथ्या भ्रम है तुम्हारा, ये गिरा देते। और जब तक तुम्हारा मिथ्या भ्रम नहीं गिरेगा तब तक सजनों वो आनंद नहीं आएगा। तो राजा मान कहते हैं सत्संगत इमरत रस पायो। सतगुरु महाराज ने क्या कृपा करी कि सत्संग का जो एक इमरत है, एक रस है, वो पिलाया। सत्संगत रस पायो और पीवत बहुत छकायो। छकाने का अर्थ समझते हो, माला माल ज्यादा नशा हो गया। नशा दो प्रकार का होता है, एक तो ज्ञान का भी नशा होता है, बाकी नशा सब उतर जाता है, जमाने का भी उतर जाता है, दारू का भी उतर जाता है। ज्यादा नहीं उतरे बड़बड़ करे तो जूता पड़े तो उतर जा दारू और नशा, ये सारा नशा तो उतर जाता है। लेकिन जो सदगुरु देव को जो नशा कराते हैं वो कभी उतरता। हाँ, राजा मान ने इसलिए कहा है एक कलाड़ी छोटी भतीरो दारू पाए दे, ऐसा नशा पीवत खूब छकायो और छक्या पचे जब सो गयो फिर जागियो फिर भर पायो। ऐसे गुरु महाराज नशा करावे ना तो जलंधर कृपा करी जब संत शरणागत पायो। देवनाथ जी महाराज राजा मान सिंह जी के गुरु वो जलंधर नाथ के अवतारी ही मानते थे। मान देवनाथ जब कृपा करी राजा मान का भ्रम दूर भगायो। ये भ्रम बाल के बेटे सजनों गुरु कृपा करते हैं। बाबूजी एक भजन और क्या। हाँ ठीक है।